नवंबर लग चुका है, ख़त्म होने वाला है, दिसंबर की शुरुआत आने वाली है। तो मेरे साथ शेफ राकेश शेट्टी मौजूद है, जो कि एक सेलिब्रिटी शेफ भी है। आपने कई टीवी पे इनके प्रोग्राम देखे होंगे। और आज मैं होटल रेडिसन में मौजूद हूँ, जिसमें केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, हो भी चुका है। बात करते हैं केक मिक्सिंग सेरेमनी के बारे में शेफ राकेश शेट्टी से। शेफ जो केक मिक्सिंग है, ओकेशन है, फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट कर रहा है, दिवाली क्या है? देखिए, हमारी फेस्टिविटी जो है, त्योहारों का जो मौसम है, वो दिवाली से शुरू हुई था। लेकिन आज रेडिसन आगरा में मुझे शेफ संजू ने बुलाया अपनी टीम के साथ, ये तो केक मिक्सिंग कर रहे थे, तो बोला अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आगरा बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आगरा से हमेशा हमें प्यार मिला है, यहाँ के लोग खाने के लिए बड़े फूडी हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बनाते भी हैं और उनको खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। आई लव पीपल हु आर इनटू फूड। तो ऐसे शहर में आके बहुत ही अच्छा लगता है, और मोहब्बत की शहर कहा जाता है, मोहब्बत का शहर, मोहब्बत का शहर है। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। सो ऐसे ही संजू ने जब मुझे बुलाया तो आई एम हियर। और ये जो क्रिसमस प्लम पुडिंग चल रहे थे, एक सेरेमनी है जो तीसरे या चौथे हफ्ते में नवंबर के आमतौर पर की जाती है। यहाँ पर कैंडिड फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स को मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद प्लम पुडिंग बनती है, क्रिसमस से पहले बांटी जाती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, और हमने अभी अभी ये सेरेमनी करी, और यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यहाँ के HNI जो जाने माने चेहरे हैं, वो सब यहाँ पर आए, और आप लोग भी आए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और ये जो सेरेमनी है, ये एक रिचुअल सा बन गया है, और हिंदुस्तान के लोग इतने बढ़िया लोग हैं कि अपने त्यौहार की तरह ही दूसरे के त्यौहार को भी मनाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि हम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं सब चीज़ों को। तो संजू, आप बताएं आपने क्या तैयारी करी? एक मैसेज आपसे, कोई भी एक मैसेज क्रिसमस से रिलेटेड अगर देना चाहें। देखिए, क्रिसमस में हम लोग, मैं जैसे बताया कि यूरोपियन वर्ल्ड में जैसे हम दिवाली पे छुट्टी जाते हैं, वैसे वहाँ पे क्रिसमस जब बोलते हैं तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा दिन होता है, और क्रिसमस को बड़ा दिन माना भी जाता है। और उसमें तमाम वेस्टर्न कल्चर में छुट्टियों पे लोग चले जाते हैं, परिवार इकट्ठे होते हैं, कोई कहीं भी काम कर रहा हो, क्रिसमस पे घर पहुँचने का एक रिवाज होता है, फैमिली डिनर्स होते हैं, गिफ्ट बांटे जाते हैं। सेंटा क्लॉज जो है, अब वो ग्लोबल हो चुका है, वो सिर्फ यूरोपियन वर्ल्ड का नहीं है, वो हिंदुस्तान का भी बच्चा उतना ही प्यार करता है, और उम्मीद रहता है कि रात को सेंटा क्लॉज चिमनी के रास्ते से आएगा और मुझे कोई ना कोई स्टॉकिंग में गिफ्ट डाल के देते जाएगा। तो ये जो वंडरफुल थॉट है, जो भी वर्ल्ड कल्चर पैदा हुआ यूरोप से, वो आज हिंदुस्तान में उसी जोश और उल्लास से मनाया जाता है। तो आई रियली लव दिस सेरेमनी। हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होता है, और आई वुड थैंक टू शेफ राकेश शेट्टी। हम बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि हमारी टीम के साथ हमारे शेफ आएँ और टीम का मनोबल बढ़ाएं। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से इसकी प्रिपरेशन थी, और इसका फाइनल प्रिपरेशन जो पुडिंग है, वो 24 दिसंबर को हम लोग अपने होटल में प्रिपेयर करेंगे अपने इन हाउस गेस्टों के लिए। यानी कि 24 दिसंबर को हमको ये केक टेस्ट करने के लिए मिलेगा। शेफ कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी लोग आए हैं, इनके घर में प्लम पुडिंग बना के बेक करके अच्छे से डेकोरेट करके ज़रूर भेजें, ताकि वो आ ना सके तो भी उन तक ये पुडिंग पहुँचनी चाहिए। तो फिर आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले क्रिसमस की, और 24 के हम इंतज़ार करेंगे ज़रूर कि किस तरह से हमको केक टेस्ट करने को मिलेगा। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान।